आर फॉर रिस्क टेकिंग, बच्चे को क्या करना है, रिस्क लेने सिखाना है। हम क्या करते हैं, रिस्क लेने ही नहीं देते। जैसे साइकिल भी होगी तो हम ही सिखाएंगे, चल मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। अभी मेरे सोसाइटी में एक बंदा था, हमारे बाजू में है, वो उसके बच्चे को उसका इतना फोर्स करता है कि बच्चा साइकिल सीखना ही चाहिए। तो वो रोज सुबह आता था और उसको चिल्लाता, चल साइकिल प्रैक्टिस करने के लिए। वो बेचारा रो रहा है, पापा नहीं जम रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं वो नहीं, तेरे को सीखना ही पड़ेगा। मैं चला रहा हूँ, सबके बच्चे चला रहे हैं, तो मेरे सोसाइटी में नाम खराब हो रहा है, तेरे को आना चाहिए साइकिल। फिर मैं उसका मजा देख रहा था, वो क्या करता है कहने। एक दिन वो पापा का कुछ तो गुजरात में काम निकला, वो 8 दिन के लिए चले गए, और 8 दिन बाद वो जब आए ना, वो बच्चा साइकिल चला रहा था। जैसे उसको देखा, बैग छोड़ दी, पहले बच्चे को उठाया, मेरा बच्चा साइकिल सीख गया। वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगे, यार मेरा बच्चा साइकिल सीख गया। मैंने बोला, आप नहीं थे ना इसलिए सीखा, आप अगर होते तो और 10 दिन नहीं सीखता हो। तो बच्चे को रिस्क लेने दे। ऐसे क्या होता है, दो पौधे होते हैं, एक बंदा होता है दो पर्सन के एक गार्डन में, दोनों के अलग अलग गार्डन होते हैं अपने घर के सामने, उस तरीके से दो बंदों के दो गार्डन होते हैं, वो अपने अपने पौधे लगाते हैं। एक जो होता है वो क्या करता है ना, उसको बहुत पानी देता है, हमेशा आएगा पानी डालेगा, बोल रहे मेरे पास बहुत पानी है, आएगा पानी डालेगा। दूसरा आदमी जो होता है ना, वो क्या करता है, सुबह उठता है सिर्फ मॉर्निंग में आधा ग्लास पानी लेके आता है और उधर डालता है उसको, और छोड़ देता है, निकल के जाता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में आता है, फिर आधा ग्लास डालता है। ये कहता है, क्या पागल आदमी है, इतना अच्छा पौधा है और कैसा ये कर रहा है, इतना पानी डाल देना, पानी क्या फ्री में तो है, क्या बहुत पैसा लगता है पानी डालने के लिए, 50, 60, 100, 200, 300 रुपये पानी का बिल आता है, डालना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो ये डाल रहा है पानी, और ये जो क्या करता है, रोज सुबह जाएगा और आधा ग्लास पानी डालेगा। एक दिन क्या होता है, बारिश का समय आता है, हवाएं चलती है, बहुत जोरों की हवा आती है, और वो जो ज़्यादा पानी वाला डालने वाला बंदा था ना, उसका झाड़ उस हवा के भंवर में उखड़ जाता है, हवा के झर में उखड़ जाता है, और ये जो बंदा था इसका झाड़ मजबूत रहता है। तो ये बहुत कन्फ्यूज होता है, यह साला अपना ये दुश्मन है, हाँ इसका पेड़ नहीं गया और मेरा कैसे क्या गया। ओके, तो उसके बाद वो क्या करता है, उनको जाके पूछता है कि यार ऐसे कैसे हुआ। तो वो कहता है, यार मैं क्या करता था, रोज अपने पौधे को आधा ग्लास पानी डालता था। क्यों डालता था मैं वो आपको आज बता दूं। वो कहता है, मैं उसे आधा पानी इसलिए डालता था कि जब मैं उसे आधा पानी डालूंगा तो उसकी आधी प्यास बुझ जाएगी, और बाकी की प्यास बुझाने के लिए उसकी जो रूट्स है वो और गहरे नीचे जाएंगे और वो पानी को खोजेंगे। और मेरे वजह से, आधे ग्लास के वजह से हुआ क्या कि मेरे झाड़ के जो रूट्स थे और डीप चले गए, और उन्होंने उनके वो डीप जाने की वजह से वो बारिश में या हवा में हिले नहीं। और आपका क्या हुआ, इतना पानी डाला कि वो इतने इनसेंसिटिव हो गए कि, और पानी की उनको भूख ही नहीं थी, वो इतना पानी पिया कि वो आराम से हवा आई तो उखड़ के चले गए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, बच्चों को लगे हुए हैं बच्चों के पीछे, है ना, क्या चाहिए बेटा। ऐसे हमारे इधर प्राधिकरण एरिया में मासाकंद करके कॉलेज है, उसके सामने एक चौक है, वहाँ पे हम रुके हुए थे, दोस्त बातें कर रहे थे, तो एक लड़का, उनका ग्रुप आया, बर्थडे था उस बच्चे का, केक वेक काटा, और बच्चे ने केक काटने के बाद उसको आईपैड लिया था पापा ने, वो आईपैड उसने फोड़ा। तो सर सब बोलो, बोल रहे क्यों फोड़ रहे पागल ऐसा वैसा, अरे बोले क्या कलर है, मेरे को कलर पसंद है, मैंने कहा था मुझे ब्लैक चाहिए, पापा ने पिंक लाया, मैं क्या लड़की हूँ, फोड़ दिया 50,000 का। अभी उस 50,000 कमाने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे लोग खाना नहीं मिलता, लोगों को नसीब नहीं होता, एक दिन का, एक टाइम का खाना नहीं नसीब होता। वो 50,000 का उसने वो आईपैड फोड़ दिया। फिर पापा उधर से आ रहे और पापा कह रहे, जाने दो बेटा, कुछ नहीं बेटा, आपको लगी तो नहीं, हम दूसरा आईपैड लेंगे, चलो ब्लैक तो ब्लैक। इस तरीके से अगर हम उसको हर चीज़ को रिस्क लेने नहीं देंगे, हर चीज़ उसी को हम सपोर्ट करते रहेंगे, तो बच्चा ऐसा बनेगा ही, और मार्केट के अंदर तो बहुत लगेगी जब बड़ा होगा ना, तो और बहुत लगनी है बड़ा होने के बाद, तब टिक नहीं पाएगा कोई कंपटीशन में, कोई इंटरव्यू में, कोई बिजनेस में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसे टिकने के लिए जो मजबूती चाहिए ना, वो उसे मिली नहीं। हेलो, तो वो मजबूती दिलाने का हमारा काम है, बच्चों को छोटे छोटे रिस्क लेनी देनी। हेलो, चाहिए कि नहीं चाहिए, वेरी गुड।